अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी चिकन आलू ग्रेवी रेसिपी बन रही है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हाफ कप हमने ले लिया है ऑयल। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अनियन, वन बिग साइज़ की अनियन ली है मैंने, एक बड़े साइज़ की ली है। इसको बारीक सा कट कर लिया है, इसको भी हम ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर। आज हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से ये रेसिपी बनाएंगे। वैसे तो आलू चिकन में हम लोग प्याज ब्राउन करके निकाल के डालते हैं ताकि उसमें कोरमे जैसा टेस्ट आ जाए, लेकिन मैं प्याज को निकालूंगी नहीं, इसी के अंदर बनाऊंगी। बिल्कुल मज़ेदार सी रेसिपी ये बनेगी और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। लेकिन आपने एक स्टेप इसमें कर लेना है कि प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है, जैसे हम ब्राउन कर लेते हैं ना निकालने के लिए ऐसे, लेकिन निकालना नहीं है। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया 4 से 5 इलायची और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1/2 kg हमने ली है चिकन। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है हमने साफ़ सुथरे से, ये भी हम ऐड कर देंगे। अब इसे फ्राई करना है हमें वाइट होने तक, पिंक से वाइट हो जाए तब तक इसको फ्राई करना है ताकि अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए और ये ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई हो जाए, इसकी हीट भी ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 से 1.5 खाने का चम्मच, ये हम ऐड कर देंगे। बारीक पिसा हुआ, फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक है। इसको लहसुन अदरक को डाल के हम अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ही इसकी फ्राइंग बहुत ज़्यादा करनी है हमने, 10 से 15 मिनट तक आपने लहसुन अदरक को मसालों को डाल के अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का निकले। 1 teaspoon हमने ले लिया है सॉल्ट, चिली पाउडर 1 tablespoon ले लिया है हमने। उसके बाद हम ऐड करेंगे टर्मेरिक मतलब हल्दी 1 या 1/2 teaspoon, 1 tablespoon हमने ले लिया है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डाल के सारे स्पाइसेस अब हमारे डल गए हैं। अब इन सारे स्पाइसेस को डाल के हम अच्छे से फ्राइंग करेंगे इसकी 10 से 15 मिनट तक। अगर फ्राई नहीं हो रहा हो तो आप 1 से 2 tablespoon इसमें पानी भी डाल सकते हैं ताकि हमारी फ्राइंग अच्छे से हो जाए, मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाएँ, जो इसमें कच्चे मसालों की जो खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए और मसाले जितने फ्राई होंगे, जितनी चिकन फ्राई होगी उतना ही टेस्टी ये सालन बनता है। 10 से 15 मिनट तक आप लाजमी फ्राई कीजिएगा तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है आलू चिकन का सालन, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं, बच्चों के घरों में ज़्यादातर ये बनाया जाता है ताकि अगर चिकन भी ना खाएँ बच्चे तो आलू ज़रूर खा लें। देखिए 10 से 15 मिनट हो गए थे, अब हम इसमें डाल देंगे दही। दही हमने 2 टेबल स्पून भर के लिया है और उसको अच्छे से फेंट के डालिएगा वरना आपका सालन ख़राब हो जाएगा। बहुत ही उसमें जो है बिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए वरना सालन की लुक भी ख़राब हो जाती है और सालन का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और बिल्कुल ग्रेवी अलग अलग सी फटी फटी सी लगती है अगर आप दही को फेंट कर ना डालें तो। बहुत अच्छे से दही डाल के भी हम 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब हमने डाल दिए हैं आलू। आलू भी हमने 1/2 kg या 1 से 1.5 पाव ले लीजिएगा, जितने आपको पसंद हो उतने ले लीजिएगा आलू, ताकि वो जितने आपको खाना हो उतने ले सकते हैं आप। आलू को डाल के भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि आलू डाल के हम इसलिए फ्राई कर रहे हैं क्योंकि आलूओं में भी इसका टेस्ट आ जाए, बहुत ही मज़ेदार सा इस ग्रेवी का टेस्ट होता है और आलूओं में भी इसका टेस्ट चले जाता है, फीके फीके से आलू नहीं रहते और बहुत ही टेस्टी सा ये सालन बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। ये देखिए भूनते भूनते ही हमारी चिकन जो है वो गल गई है। इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें 1 कटोरी भर के पानी। अच्छा, ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आप कम रखना चाहते हैं तो कम रख लें, ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रख लें। 1 कटोरी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे इसमें कम ग्रेवी ही अच्छी लगती है, सालन का टेस्ट ही बहुत ही मज़े का आता है कम ग्रेवी के साथ। तो आप 1 कटोरी पानी डाल लीजिएगा, इसको अच्छे से मिक्सिंग करके इसको कवर करके रख देंगे हम गोश्त और पोटैटो गलने के लिए। जब तक दोनों चीज़ें गलें हमने कर दिया है कवर और इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, क्योंकि हमने गरम मसाला नहीं डाला था, सिर्फ इलायची डाली थी खुशबू के लिए। इलायची बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। ये देखिए हमने कवर कर दिया है मिक्सिंग करके, क्योंकि इसमें बॉयल आ गया था पानी में। अब हम ऐड कर देंगे इसमें गरम मसाला पाउडर,
पाउडर भी पाउडर ना लेना चाहे तो आप थोड़ा सा उसको कूट लीजिएगा, थोड़ा सा कुटा हुआ होना चाहिए क्योंकि बच्चों के मुंह में जो है वो गरम मसाला आता है तो बच्चे खाना नहीं खाते, छोड़ देते हैं, तभी मैं एंड में डाल रही हूँ कुटा हुआ गरम मसाला ताकि वो मुँह में नहीं आता इतना। और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी हमारी बस रेडी होने वाली है, आधे घंटे के अंदर अंदर ये रेसिपी डन हो जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है। देखिए अब हम कर लेंगे डिश आउट, आधा घंटा भी नहीं लगा था ये रेसिपी में और ये डन हो गई थी हमारी रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। देखिए माशाल्लाह से इसका लुक इतना मज़ेदार सा आया है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी होती है रेसिपी, आराम से बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं, सबकी फेवरेट होती है ये रेसिपी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे स्टाइल से बना के देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही टेस्टी लगेगी, बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल कोरमे की तरह इसका टेस्ट होता है और लुक भी इसका बहुत ही मज़ेदार सा आया है माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी हमारी रेडी है, क्विक और इजी रेसिपी हमारी आलू चिकन ग्रेवी रेसिपी माशाल्लाह से रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी, अल्लाह हाफिज़।